नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पलवल के गांव बहरोला स्थित एबल अस्पताल में फरीदाबाद सीएम प्लाइंग की टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान मौके से 13 प्रकार की एक्सपायर दवाइयां भी बरामद की गयी। इसके अलावा मौके पर कई प्रकार की अनियमितताएं भी पाई गयी, जिस संबंध में संबंधित विभागों की ओर से नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एबल अस्पताल में बिना वैध डिग्री के डॉक्टर कार्य कर रहे हैं, जिनकी ओर से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर टीम ने स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर के साथ एबल अस्पताल में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान अस्पताल में तैनात डॉक्टर स्टाफ एवं टेक्निकल स्टाफ की वैध डिग्री प्राप्त कर अवलोकन किया गया, जिसकी संबंधित विभाग से पड़ताल कराई जा रही है। छापेमारी के दौरान फार्मेसी में 13 प्रकार की एक्सपायर दवाइयां मिली, जिसके संबंध में संबंधित विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण भी ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा था। मौके पर एक्सरे मशीन भी रखी हुई थी, लेकिन उसके लिए तकनीकी कर्मचारी मौके पर नहीं मिला, जिस संबंध में डॉक्टर अक्षय जैन मेडिकल ऑफिसर स्वास्थ्य विभाग पलवल की ओर से भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण विभाग, दमकल विभाग और डीआईसी विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, जिनकी ओर से मौके पर निरीक्षण करने के दौरान पाई गई अनियमितताओं के बारे में नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि इस संस्था की ओर से रजिस्ट्रेशन संबंधित एवं आम जन को कम पैसे में इलाज करने के बारे में दी जाने वाली सुविधाओं में काफी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिस संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त किया गया इसकी जांच की जाएगी और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पलवल से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के पास एक जांच का विषय है, जिसमें एबल चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो बहरोला में है, जिला पलवल में है, तो वहाँ जो जांच के संबंध में आज टीम वहाँ गई थी, जिसमें कुछ एलिगेशंस थे जिनके बारे में जांच की जा रही है। बाकी जो पूरा विस्तृत जानकारी जांच के बाद मिलेगी, और टीम सुबह से वहीं पर मौजूद है, जिसमें स्थानीय जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी हैं और बाकी टीम्स भी हैं, तो जांच के बाद जो भी निष्कर्ष होगा वो जल्दी ही आपके संज्ञान में लाया जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।